दोस्तों, अगर आप भी रविंद्र जडेजा को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रविंद्र जडेजा के पंजे में तहस नहस हुई ऑलमाइटी ऑस्ट्रेलिया की टीम। 5 महीने बाद वापसी करते ही जडेजा ने लगाई है ऐसी धार कि गेंदबाजी से रच दिया इतिहास। तो वहीं रविंद्र जडेजा के ऐतिहासिक प्रदर्शन पर तारीफों के पुल बांधते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने जो कुछ कहा, उनकी बातें सुनकर आप भी जडेजा और धोनी की दोस्ती के दीवाने हो जाएंगे। तो आखिर क्या बताया है धोनी ने, उनके दिल छू लेने वाले बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन में सबसे बेहतरीन गेंदबाज कौन है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने स्पिन गेंदबाजों से निपटने के लिए जमकर पसीना बहाया था, लेकिन लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले रविंद्र जडेजा इन सब के बावजूद उनके लिए काल बनकर नागपुर के मैदान में उतरे। लंच के बाद जब रोहित शर्मा ने जडेजा को बुलाया तब उन्होंने अपने एक ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया के 2 खतरनाक बल्लेबाज को पवेलियन के राह दिखाकर ऑस्ट्रेलिया की कमर ही तोड़ दी। जी हाँ, आपको बता दें, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि दुनिया के नंबर 1 टेस्ट टीम ऑस्ट्रेलिया के 5 बल्लेबाजों को रविंद्र जडेजा ने अपनी फिरकी के जाल में इस कदर फंसाया कि पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम महज 177 रनों पर ही सिमट गई। पारी का 36वां ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। गेंदबाजी करने आए रविंद्र जडेजा ने सेट बल्लेबाज लबुशाने को 49 के स्कोर पर पवेलियन भेजा, तो वहीं बल्लेबाजी करने आए मैट रेंशा को उन्होंने खाता खोलने का भी मौका नहीं दिया। जडेजा के दम पर टीम इंडिया ने इस मुकाबले में वापसी का बिगुल बजा दिया था, लेकिन रविंद्र जडेजा का खौफ इतने में ही खत्म नहीं हुआ। अगले ही ओवर में रविंद्र जडेजा ने स्टीव स्मिथ को अपना शिकार बनाकर ऑस्ट्रेलिया की आधी पारी समेट दी। समिति, लेकिन यह तो महज शुरुआत थी। 5 महीने बाद खेल के मैदान पर वापसी करने वाले रविंद्र जडेजा का असली जादू तो अभी बाकी था। उन्होंने सेट होने की कोशिश कर रहे पीटर हैंडस्कॉप को 31 रनों के स्कोर पर चलता कर टीम इंडिया को 7वीं सफलता दिलाई। तो वहीं बल्लेबाजी करने आए टॉप मार्की जडेजा के सामने 1 गेंद भी नहीं खेल पाए। इसी के साथ रविंद्र जडेजा ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 विकेट लेकर पंजा बोल दिया था। आपको बता दें, 22 ओवर गेंदबाजी करने वाले जडेजा ने महज 47 रन खर्च कर 5 सबसे बड़े बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया, जिसके बाद हर तरफ उनकी तारीफ हो रही है। लेकिन इसी बीच जडेजा के अजीज दोस्त महेंद्र सिंह धोनी ने भी उनकी तारीफ की है। जी हाँ, धोनी ने जडेजा की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा कि इसी कारण सभी जडेजा को मिस कर रहे थे। रविंद्र जडेजा जैसा खिलाड़ी पूरी दुनिया में कोई नहीं है। भारतीय टीम खुशकिस्मत है कि हमारे पास रविंद्र जडेजा है, जो खेल के हर फॉर्मेट में विरोधी टीम की धज्जियां उड़ाने में माहिर है। वेल प्लेड जडेजा, वापसी हो तो ऐसी, इस प्रदर्शन के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करता हूँ कि तुम इतनी जल्दी दोबारा चोटिल न हो, क्योंकि रविंद्र जडेजा को भारतीय टीम को बहुत अधिक जरूरत है। तो दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी का यह बयान सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि रविंद्र जडेजा पहले टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच बन पाएंगे कि नहीं, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।